नमस्कार, आप देख रहे हैं बी स्टार न्यूज और मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्मोही अखाड़ा परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। अयोध्या राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्मोही अखाड़ा ने एक बड़ी बैठक अयोध्या के निर्मोही अखाड़ा परिसर में आयोजित की। निर्मोही अखाड़ा के महंत देनेन्द्र दास ने इस बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सर्वसम्मति से कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विश्वास जताया गया है, जिसमें देश भर के निर्मोही अखाड़ा के सरपंच, महंत और संत भी शामिल हुए। इस बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया है कि निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं करेगा और निर्मोही अखाड़ा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट है। ये निर्मोही अखाड़ा पंचायती मठ है, पंच लोग सब आ गए थे, आपस में बातचीत हो गई, जो उसमें निर्णय दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट से वो हमारे लिए सब पंच लोग तैयार। अब आप निर्मोही अखाड़ा रिव्यू के लिए दोबारा नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, इसे जो सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आ चुका, हम लोग भारत सरकार से वार्ता करेंगे, जो पंच लोग हमारे निर्णय दे देंगे। अभी भी वो गंदी है, कुछ कहना होगी, स्टडी होगी जजमेंट की, कोई जरूरत पड़ेगी तब, क्योंकि मंदिर बनाना या बनना निर्मोही अखाड़े का भी प्रयास रहा है सर। हम भी चाहते हैं बने, निर्मोही अखाड़ा के हर पंचायत का है, मंदिर बनना आवश्यक है, लेकिन वो मंदिर की व्यवस्था में कौन कौन भागीदार होगा, इसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है जो हमारे पास होना चाहिए। 1928 से लेकर के आज तक पिटीशन के मामले में कोर्ट में लड़ रहा है शुरू से। उन समस्त पंचों के परंपरा अनुसार जो शिष्य प्रशिष्य हैं वो तो सब चले गए आज के समय में, लेकिन उनकी परंपरा में जो शिष्य मौजूद हैं उन लोगों की मीटिंग हुई है, और उन्हीं की मीटिंग में हमारे सबसे पहले सरजू पूजन हुआ, और सरजू पूजन होने के बाद हम लोगों ने जो कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने फैसला दिया उसका हम तहे दिल से यहाँ सम्मान किया, और इसके पश्चात हम उन्होंने आदेश किया कि आप प्रशासन से मिलकर के और अपने इस प्रबंधन और निर्माण में सहयोग प्रदान करें। उस संदर्भ में हमारे सभी पंच मिलने के लिए एक कोर कमेटी का निर्माण किया है, जो 7 दिन के अंदर अंदर हम लोग उनसे मुलाकात कर लेंगे। उधर संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक हाई टेंशन तार ट्रैक्टर ट्रॉली में रखे पराली में छू गया, जिसकी वजह से उस पराली में आग लग गई। संभल के गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र बबराला में इंदिरा चौक पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पराली लेकर जा रहे किसान की ट्रैक्टर ट्रॉली में रखी पराली में हाई टेंशन का तार छूने से आग लग गई, जिसके बाद ट्रैक्टर चला रहा चालक ट्रैक्टर से उतरकर सड़क पर खड़ा हो गया और देखते ही देखते ट्रॉली में रखी पराली धू धू करके जल गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ये ऐसा हुआ, फटेरा छू गया, उस पर पूरा ला रहे हम फटेरे के बाजरे के, तो फटेरा तार में छू गया। कहाँ से लेके आ रहे थे आप? केल से पूरा लाए, सिकंदरपुर के ले जा रहे। आग कहाँ, ये पूरा काम छुआ था बबराले में, ऐसे वहां से लेकर के इंदिरा चौक से इधर को मुड़ते गए लाइन में तान लगते। तो वही बागपत में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। आपको बता दें, एक तेज रफ्तार कार ने बैल बुग्गी को टक्कर मार दी, जिसकी वजह से बैल और किसान की मौके पर ही मौत हो गई। दिल्ली यमुनोत्री हाईवे स्थित लदवाड़ी मोड़ के पास एक तेज रफ्तार कार ने बैल बुग्गी को टक्कर मार दी, जिससे किसान और बैल की मौत हो गई। किसान के भतीजे और भतीजी भी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, तो वहीं पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर मेरठ में लोगों ने पर्यावरण बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया। आपको बता दें, मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के हनी गोल्फ कॉलोनी का ये मामला है। मेरठ में लोगों ने पर्यावरण को बचाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। मामला मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के हनी गोल्फ कॉलोनी का है, जहां आम के हरे भरे बाग को काटकर कॉलोनी बनाने का लोग जमकर विरोध कर रहे हैं, जिसके विरोध में लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इलाके के दर्जनों लोगों ने जिला वन अधिकारी से मुलाकात करते हुए मामले की शिकायत की, जिसके बाद बाग में चल रहे पेड़ों के कटान को रोका गया। आपको जैसे पता होगा, हनी गोल्फ ग्रीन और मोती प्रयाग के बीच में एक आम का बाग है, जहाँ पे हरे भरे आम के वृक्ष हैं, बिना किसी इजाज़त के वो आम के वृक्ष काटे जा रहे हैं। आजकल वैसे ही आप जानते हैं, दिल्ली गैस चैम्बर बन गया है। एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है, एक तरफ तो गवर्नमेंट कह रही है कि आप पेड़ लगाओ, और यहाँ पर हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं ताकि यहाँ पर आगे एक कॉलोनी बनाई जाए। अगर इस तरीके से रहा तो सब बेकार है, मेरठ दिल्ली बनते देर नहीं लगेगी। तो मेरा गवर्नमेंट से और
उच्च अधिकारियों से एक ही निवेदन है कि शीघ्र अतिशीघ्र इन पेड़ों को बचाया जाए और यहाँ के पर्यावरण की सुरक्षा की जाए। तो बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक के एक छात्र को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बुलंदशहर में पॉलिटेक्निक के छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि छात्र खेत से घर लौट रहा था, इसी दौरान अज्ञात बदमाशों ने उसे गोली मार दी। छात्र की हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। ये कल शाम को लगभग 7:30 बजे के बीच में डायल 100 के माध्यम से एक सूचना आई थी कि फायरिंग हो गई है और एक लड़के को गोली लगी है जिसकी मृत्यु हो गई। जांच करने पर पाया गया कि एक संदेश मीना नाम का लड़का है जो ITI पॉलिटेक्निक का कोर्स दिल्ली से कर रहा है। वो अपने घर आया हुआ था और बाद में उसको गोली मार करके अज्ञात अभियुक्त द्वारा उसकी हत्या की गई है। छानबीन प्रारंभ कर दी गई है, वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, अभियोग दर्ज है और जहाँ तक संभावना बन रही है कि आसनाई का कुछ चक्कर है जिस वजह से घटना हुई है, बहुत जल्दी हम घटना का अनावरण करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 20 स्टार न्यूज़। नमस्कार।